नमस्कार दोस्तों लॉ ऑफ टॉर्ट के लेक्चर नंबर टू में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंजूरिया साइन एड डैम और इससे रिलेटेड दो केस लॉस अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा पहला लेक्चर देखिए उसमें मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको एक रिकैप देना चाहता हूँ टॉर्ट का मतलब है अ ब्रीच ऑफ सिविल ड्यूटी और अ सिविल रॉन्ग टॉर्ट का मतलब है अ कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड और टॉर्च्यूअस फॉर विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एज अ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ इसका आसान भाषा में मतलब है हमारे किसी भी कंडक्ट की वजह से अगर सामने वाले का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है या फिर सामने वाले को कोई लीगल इंजुरी होता है तो हमारे उस पर्टिकुलर एक्ट को कहा जाएगा टॉर्च्यूस एक्ट और अ टॉर्ट टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है और सामने वाले का लीगल राइट इंफ्रिंज करने वाला एक्ट है ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को फिजिकल डैमेज हुआ है या फिर कोई एक्चुअल डैमेज हुआ है लेकिन अगर सामने वाले का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि सामने वाले ने लीगल डैमेज या फिर डैमेज सफर किया है इंट्रोडक्शन बहुत हो गया हम लोग सीधे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंजुरिया साइने डैम Injuria, sine, damnum, एक लैटिन मैगजिम है इंजुरिया का मतलब, मतलब राइट मतलब right. इस पर्टिकुलर चीज को आप नोट कर लेना आपको एमसीक्यू पार्ट में पूछा जाएगा इंजुरियाम क्या है इट इज अशन ऑफ एप्सोलूट प्राइवेट राइट वेन अ पर्सन डज नॉट सफर एनी एक्चुअल फिजिकल डैमेज बट हीज लीगल राइट इज वायोलेटेड और ही सफर्स अ लीगल इंजुरी देन इट इज अ केस ऑफ इंजूरिया साइने डैमनम यानी इवन इफ सामने वाले ने कोई फिजिकल डैमेज या फिर जिसे हम लोग डैमेज कहते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा डैमेज सफर नहीं किया है लेकिन उसका लीगल राइट वायोलेट हो चुका है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मानेगा कि उसने डैमेज सफर किया है और ये जो केस है वो होगा इंजूरिया साइने डैमनम का यानी इंजुरी विदाउट डैमेज का If a legal right of a person is violated, then the law presumes that the person has suffered legal damage. The plaintiff has to prove in the court of law that the plaintiff has to prove any of the three in the court of law. He has suffered legal injury, or his legal right has been violated, or his right in rem or right in personam has been violated. अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकैप देना चाहता हूं राइट इन रेम का मतलब है ऐसा राइट जो सारी दुनिया को अवेलेबल है और राइट इन परसो यानी ऐसा राइट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को अवेलेबल है लास्ट लेक्चर में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल दिया था अगर आर डिपार्टमेंट ने मेरे नाम का ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है तो वो मेरा राइट इन परसो नाम होगा मैं किसी और को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर नहीं कर सकता ताकि उसे आरटीओ वाले ना पकड़े तो मेरे ख्याल से आपको इंजुरिया सबसे पहला है एच बी वर्सेस वाइट सेवनटीन ओ एट रिफ्यूजल टू रजिस्टर अ वोट ये इसका छोटा सा समरी है अगर आपको रिकॉल ना हो तो आप अपने हिसाब से क्राफ्ट कर लेना अभी क्राफ्ट करने का पद्धत मैं आपको बताता हूं इसमें प्लेटिव जो है वो मिस्टर एच है डिफेंडेंट जो है वो मिस्टर वाइट है आपको यह चीज याद रखना है कि मिस्टर वाइट वाज अ रिटर्निंग ऑफिसर एट अ पोलिंग बूथ इन इंग्लैंड ही रिफ्यूज़ टू रजिस्टर अ ड्यूली टेंडर्ड वोट ऑफ मिस्टर एचबी ही आर्गुएड दैट द कैंडिडेट होम मिस्टर एचबी वांटेड टू वोट हैज़ हैजWon द इलेक्शन इवन विदाउट हिज वोट देयरफॉर ही हैज नॉटSuffered एनी लीगल डैमेज लेकिन जजमेंट जो है वो मिस्टर एच के फेवर में गया मिस्टर वाइट जो कि एक रिटर्निंग ऑफिसर था उसके खिलाफ गया जजमेंट है मिस्टर मिस्टर टू इलेक्टोरल जो ऑफिसर है उसे वोटर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा दूसरा केस है मार्जेटी वर्सेस विलियम केस 1830 थर्टी रिफ्यूजल टू ऑनर चेक ये छोटा सा समरी है इसे याद रखना इसमें भी प्लेंटिव जो है वो मिस्टर मार्जेटी यानी जो पहला पार्टी आपको दिखता है वो हमेशा प्लेंटिफ होता है और दूसरा पार्टी जो दिखता है वो डिफेंडेंट होता है इसमें प्लेंटिफ है मिस्टर 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 मार्जेटी डिफेंडेंट है विलियम्स विलियम्स अ अ बैंक ही टू लीगल टेंडर चेक ऑफ मिस्टर मार्जेटी डिस्पाइट ऑफ हैविंग सफिशियंट फंड अकाउंट जो जजमेंट था वो बैंक के खिलाफ गया द बैंक शाल कॉम्पनसेट मिस्टर मार्जेटी एंड अ फाइन वॉज इम्पोस्ड टू मिस्टर विलियम्स हु वॉज अ बैंक एम्प्लॉय मेरे ख्याल से आपको इंजूरिया साइने डैमनम अलॉन्ग विथ केस लॉ समझ में आया होगा दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल